नगर विकास न्यास की ओर से गुरुवार को करीब 71 लाख की लागत से विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन किए गए। इस दौरान शहर विधायक बनवालाल सिंगल सहित नगर विकास न्यास अध्यक्ष देवी सिंह शेखावत और नगर परिषद सभापति अशोक खन्ना मौजूद रहे। सबसे पहले इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिम्नास्टिक अखाड़े के लिए 26 लाख की लागत से 2 टीम शेडों के निर्माण का उद्घाटन किया गया, जहां खिलाड़ियों ने अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं करीब 10 लाख की लागत से एसएमडी विद्यालय में भी फुटपाथ और बास्केटबॉल कोर्ट निर्माण के लिए कार्य का उद्घाटन किया गया। इसके बाद शहर के परशुराम सर्किल पर 34 लाख की लागत से बस में वाहिनी स्टैंड अप का शेल्टर निर्माण का कार्य शुरू कराया गया। इस दौरान नगर विकास न्यास अध्यक्ष देवी सिंह शेखावत ने कहा कि लगातार अलवर के विकास कार्यों के लिए उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में UIT के द्वारा बहुत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के खेल कूद के लिए और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, खिलाड़ियों को फैसिलिटीज मिले, इसके लिए यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक तो पहलवानों के लिए मिट्टी का अखाड़ा बनाया जा रहा है, जिसकी तकरीबन लागत 7.5 लाख रुपए है। दूसरा, जिम्नास्ट के लिए जो ओपन जिम्नास्ट था उसको 3 सेट से कवर किया जाएगा और उस कार्य में तकरीबन लागत 12 लाख के आसपास है। इसके साथ ही यहाँ बालिका विद्यालय SMD विद्यालय, जो कि बच्चियों का बहुत बड़ा विद्यालय है, उसमें मैं गया था तो बच्चियों ने मांग रखी थी कि वहाँ उनके लिए बास्केटबॉल कोर्ट बनाया जाए, ताकि बच्चियों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और बच्चियाँ भी हमारी प्राथमिकताएं हैं, उनका विकास होना बहुत ज़रूरी है। खेल कूद करके ही बच्चियों का भी स्वास्थ्य अच्छा बनता है और ये एज ऐसी होती है जिसमें खेलने का समय भी मिल जाता है हमको, इसलिए हमने 10 लाख रुपये की लागत से वहाँ पाथवे और पाथवे के साथ ही बास्केटबॉल का कोर्ट बनवाया है।